Subscribe for latest update and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर वोकैब में। मैं हूं आपका दोस्त शुभम और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो वीडियो है बायलिंगुअल होता है, मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अपडेट होते हैं ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है कवर अप कर सकें। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आया है, उषा थोराट टास्क फोर्स इज रिलेटेड टू, मतलब हाल ही में जो चल रहा है उषा थोराट टास्क फोर्स का संबंध किससे है। ठीक है, उषा थोराट टास्क फोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेटी है। उषा थोराट जो है RBI की पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं, तो जो लोग बैंकिंग और इकोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की, तो उनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके लिए। ठीक है, तो अभी हाल ही में उषा थोराट टास्क फोर्स का संबंध आया है, मतलब चर्चा का विषय है। तो वो जो है करेंसी स्टेबिलिटी टास्क फोर्स, मतलब मुद्रा की स्थिरता के लिए जो है ये टास्क फोर्स बनाया गया है। ये 8 मेंबर की जो कमेटी है इसका गठन किया गया है। इसका मेन जो मकसद है वो है मुद्रा की स्थिरता पर चर्चा करना। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी जो है उषा थोराट कमेटी से ही रिलेटेड है। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि उषा थोराट कमेटी इज़ रिलेटेड टू, तो ये जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हु वॉज अवार्डेड द अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑन 1 मार्च बाय द त्रिपुरा गवर्नमेंट। ठीक है, त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा 1 मार्च को निम्न में से किसे अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए थंगा दारलांग का। तो थंगा दारलांग को जो है अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये जो है अभी हाल ही में जो पद्मश्री अनाउंस हुआ था, तो 2019 जनवरी में जो पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, और ये जो हैं रोजम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये संगीतकार हैं, आदिवासी संगीतकार हैं ये, और रोजम इंस्ट्रूमेंट है, एक बांसुरी जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है वो ये बजाते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि जो थालांग दारलांग है ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ये जो है आदिवासी संगीतकार हैं और अभी इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी सम्मानित किया गया पद्मश्री से। ओके, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ वडोदरा। ठीक है, तो हाल ही में किनमें से किसे जो है बैंक ऑफ वडोदरा का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हसमुख अधिया। हसमुख अधिया को जो है बैंक ऑफ वडोदरा का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हसमुख अधिया का नाम सुनते ही आप लोगों को ध्यान आता होगा कि ये जो है पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, और अभी के जो हैं फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय नारायण झा हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को, और पूर्व के फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं अभी से ठीक पहले थे वो हसमुख अधिया थे। इनका जो कार्यकाल समाप्त हो गया और अब वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जुड़ गए हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में खास बात यह जो कि अभी जो है 1 अप्रैल को विलय किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का। तो ये तीनों जो विलय मिला के भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। 1 अप्रैल 2019 को इनका विलय होना है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ बात देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा में, और इसकी टैगलाइन है जो है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, इसकी टैगलाइन है। तो बैंकिंग से तैयारी करने वाले बहुत ध्यान रखेंगे। बैंक एक सवाल ज़रूर आता है, या तो बैंक का हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं या तो बैंक की टैगलाइन पूछ लेते हैं। तो इस बात को आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। बाई होम ऑफ द फॉलोइंग ऑन March 3rd अ बुक कॉल्ड मन की बात अ सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो वॉज रिलीज। तो 3 मार्च को जो निम्न में से किसके द्वारा मन की बात ए सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो नामक जो पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ये विमोचन किया गया अरुण जेटली के द्वारा। तो ये सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुण जेटली के द्वारा जो है इस किताब का विमोचन किया गया, जिसका नाम है मन की बात अ सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो। ये जो है प्रधानमंत्री जो हैं हमारे मन की बात रेडियो पे करते हैं, आकाशवाणी पे जो है मन की बात अपनी करते हैं। तो इसका जो 50वां एपिसोड है इस एपिसोड पे जो है ये किताब आधारित है। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा एपिसोड के पे आधारित है। तो ये 50वां जो एपिसोड हुआ था अभी हाल में उस पर ये आधारित ये किताब है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री हैं और राज्यसभा से, गुजरात से राज्यसभा से
9 मिनट हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द March 8 टूक ओवर द MD एंड CEO ऑफ यस बैंक। तो 8 मार्च को निम्न में से किसे जो है यस बैंक के MD एंड CEO का पदभार ग्रहण किया। तो यस बैंक के बारे में बता दूँ पहले, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी रवनीत गिल होगा। रवनीत गिल जो है MD और CEO का पदभार संभाल लेंगे यस बैंक का। यस बैंक के बारे में पहले देख लूँ, यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और यस बैंक की जो टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, तो ये इसकी टैगलाइन हो गई। ठीक है, और रवनीत गिल के बारे में बता दूँ, रवनीत गिल जो है 3 साल के लिए यस बैंक से जुड़ेंगे, मतलब जो इनको जो पद मिला है वो 3 साल के लिए मिला है और ये जो इन्होंने रिप्लेस किया है राणा कपूर को। तो इससे पहले जो MD और CEO थे यस बैंक के वो राणा कपूर थे, तो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके बाद जो है रवनीत गिल को अपॉइंट किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज पार्टनर्ड विथ आयुष्मान इंडिया टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू इट्स ड्राइवर। ये आयुष्मान है, आयुष्मान इंडिया। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा कि हाल में ही निम्न में से किस कंपनी ने अपने ड्राइवरों को मुफ्त इलाज देने हेतु आयुष्मान भारत के साथ साझेदारी की। तो ये जो कंपनी है वो है ऑप्शन डी उबर। तो उबर ने जो है अपने ड्राइवरों को मुफ्त इलाज देने के लिए आयुष्मान भारत के साथ साझेदारी की है। तो उबर का ये जो केयर नाम है इसका उबर केयर इसको बोलते हैं, मतलब इस ये जो इस पैक्ट को बोलते हैं उबर केयर, जिसके मदद से जो कंपनी है अपने ड्राइवरों को फ्री इलाज देगी, मुफ्त इलाज देगी आयुष्मान भारत के तहत। ठीक है, उबर इंडिया के जो विराट कोहली हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं उबर इंडिया के, साथ ही साथ जो उबर ईट्स आता है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट है। तो इसको कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, उबर इंडिया जो है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली और उबर ईट्स के जो हैं आलिया भट्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस MOU विथ एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फॉर हाउ मच अमाउंट। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ मेट्रो रेल परियोजना हेतु कितने मिलियन डॉलर का समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो ऑप्शन सही डी है, सही ऑप्शन है 926 मिलियन डॉलर जो है इसका जो है एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया गया है। और ये जो है मेट्रो है मुंबई में जो मेट्रो प्रणाली है इसके विस्तार हेतु किया गया है। मुंबई में जो है मेट्रो जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन जो है इसमें विस्तार किया जाता है, हर एक जैसे फेज़ 1 फेज़ 2 चलाया जाता है, तो इसमें जो है नए फेज़ के लिए विस्तार के लिए ये लोन लिया गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता दूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसके सदस्य जो हैं अभी जो है 67 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए जो है लोन देती है हर एक देशों को। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। व्हाट इट्स नेम हैज़ बीन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय IRCTC डिजिटल पेमेंट गेटवे। हाल ही में IRCTC ने अपने किस नाम से जो है डिजिटल पेमेंट गेटवे को लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी IRCTC iPay। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे कि डिजिटल पेमेंट हर एक कंपनी का जो है डिजिटल पेमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो IRCTC का भी एक डिजिटल पेमेंट स्टार्ट हुआ है जिसको कहते हैं हम लोग IRCTC iPay। और इसके मदद से जो है सारी पेमेंट जो है यही से हो जाएगी, मतलब कि आप लोगों को और कहीं से पेमेंट जैसे कार्ड पेमेंट और ये सब करना नहीं पड़ेगा। iPay जो होता है IRCTC iPay, यहीं से आप लोग डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आप अगले सवाल की तरफ। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द बैन ऑन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सीमी फॉर हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, तो हाल में ही केंद्र सरकार ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सीमी पर कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए जो है इन पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। सीमी का फुल फॉर्म अगर पूछे तो ये है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनको जो है कुछ संदिग्ध दायरे में आए थे, इसके वजह से जो है इनको प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया। तो मतलब ये कि प्रतिबंध भी पहले से चला आ रहा था और इसको 5 वर्ष के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। मुख्यतः जो ये नॉर्थ इंडिया में एक्टिव थे, जैसे उत्तर प्रदेश के आसपास जिलों में एक्टिव थे। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश की जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ, BJP की गवर्नमेंट है यहाँ पे, गवर्नर है इसका राम नाइक और अलाहाबाद हाई कोर्ट है यहाँ पे, जो हाई कोर्ट है यहाँ का, और उसके चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और ये
फ्रॉम मार्च टू द कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 कॉन्फ्रेंस वाज वेयर हेल्ड, मतलब कि कहाँ जो है 2 मार्च से कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो दिल्ली में जो है इसका जो है आयोजन किया गया है, और इसके जो मुख्य अतिथि हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे इसके मुख्य अतिथि होंगे। और ये जो आयोजन है 2 दिवसीय आयोजन किया गया है, इसमें जो है स्टार्टअप, डेवलपर, शिक्षाविद आदि जैसे लोगों जो हैं हिस्सा लेंगे इसमें। दिल्ली के बारे में कुछ स्टैटिक जगह देख लेते हैं। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल, और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में क्या फ़र्क होता है? तो जो स्टेट होते हैं भारत के राज्य, उनको उनमें जो है गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, और जो हमारे यूनियन टेरेटरीज़ हैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, उसको उपराज्यपाल भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और इसके जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं राजेंद्र मेनन हैं। सीटों की बात कर ले तो यहाँ विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जो हैं मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे 7 लोकसभा की सीटें हैं और 3 जो हैं राज्यसभा की सीटें हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर तो बनता है। हाँ, मैं हूँ शुभम कुमार आपका दोस्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।